नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। कटघोरा नगर के मुख्य मार्ग में बना अधूरा गौरव पथ कटघोरा वासियों सहित आम राहगीरों के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है, जिस वजह से लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कटघोरा नगर पालिका द्वारा बनाए जा रहे गौरव पथ पर बने डिवाइडर के दोनों ओर साइड शोल्डर का कार्य किया जाना अभी भी बाकी है। बावजूद प्रशासन के द्वारा राशि स्वीकृत नहीं होने के कारण यह कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जबकि बरसात प्रारंभ हो चुकी है और सड़क का पानी नाले में ना जाकर सीधे सड़क पर ही बह रहा है। इस वजह से शोल्डर पर पड़ी मिट्टी भी सड़क पर बहने से कीचड़ हो जा रहा है, जिससे दुकानदारों सहित दुकानों में आने वाले ग्राहकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में कटघोरा नगर की दशा यह हो गई है कि कुछ दुकानदारों द्वारा अपने स्वयं के व्यय से अपने अपनी दुकानों के सामने सीसी कराई जा रही है, जिससे मिट्टी व कीचड़ से निजात मिल सके, लेकिन नगर पालिका के अधिकारी व प्रशासन को इससे कोई सरोकार नहीं है। कटघोरा का गौरव पथ पिछले कई सालों से निर्माणाधीन है, बावजूद आज प्रयत्न तक यह अपने मूल आकृति हासिल नहीं कर पाया। कटघोरा बिलासपुर मुख्य मार्ग में शहीद वीर नारायण चौक से गोपाल पेट्रोल पंप तक लगभग 6.5 करोड़ रुपए की राशि से 1250 मीटर लंबी सड़क का निर्माण होना है। कटघोरा गौरव पथ निर्माण जो है उसके काम में कुछ जो पुराना एस्टीमेट था उसमें कुछ चीज़ें नहीं थी और कुछ आइटम की मात्रा बढ़ी है। जैसे रोड की चौड़ाई पहले 7 मीटर लिए थे, वो 7 मीटर चौड़ाई दोनों तरफ जो थी उसको 9 मीटर किया गया ताकि आवाजाही वगैरह ज़्यादा आसान हो जाए। इसी तरह से बीच में ट्यूबलर पोर डिवाइडर में लगने वाला जो आइटम है उसको नहीं दिया गया था, तो ट्यूबलर पोर लाइट ये सब मिला के एस्टीमेट रिवाइज कराया जा चुका है। उसकी प्रशासकीय स्वीकृति के लिए रायपुर भेजा गया है। जैसी प्रशासकीय स्वीकृति मिलेगी और फंड की व्यवस्था होगी वैसे काम जो है पूरा करा लिया जाएगा। जैसे पानी निकासी में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, बारिश के समय जो साइड का डिवाइडर बचा हुआ जो शोल्डर जहाँ बनना है तो उसमें पानी भर जाए तो पानी पूरा सड़कों बह रहा है। हाँ, पहले भी साइड शोल्डर एस्टीमेट में नहीं था, उसी साइड शोल्डर को एस्टीमेट में भी लिया गया है। साइड शोल्डर हो जाएगा तो रोड से साइड शोल्डर फिर सीधा नाली में जाएगा पानी। अभी तात्कालिक व्यवस्था बनवा रहे हैं, जहाँ जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है नाली का जो वाल है उसमें होल वगैरह करवाएंगे और व्यवस्था 2-3 दिन में करवा लेंगे पानी देखते हुए। तो तात्कालिक व्यवस्था भी कराना पड़ेगा जब तक पूरी व्यवस्था नहीं हो जाती। लगभग कितने की योजना होगी सर गौरव पथ की? गौरव पथ की योजना जो है यहाँ से टेंडर हुआ था 6.44 करोड़ का, टेंडर हुआ था 6.44 करोड़ का और इसका जो पुनरीक्षित प्राकलन है रिवाइज एस्टीमेट है वो 7.77 लाख 69 हज़ार और अंतर जो है दोनों अमाउंट में करीब 1.33 करोड़ का अंतर है। जी जी, इसके लिए भेजे हैं रायपुर जो है, रायपुर इसके प्रशासकीय स्वीकृति के लिए भेजा जा चुका है। 2-3 बार क्योरी आ गई है इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योरी का निराकरण करके फिर वापस भेजा गया। उम्मीद की जा सकती है कि गौरव पथ कार्य निर्माण हो जाएगा, पूरा हो जाएगा? प्रशासकीय स्वीकृति जितने जल्दी मिल जाएगी उतना जल्दी चालू हो जाएगा, शेष कार्य उतना जल्दी पूर्ण कराएंगे ठेकेदार से। वी टाइम न्यूज के लिए कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ शशिकांत दीक्षसेना व शारदा पॉल की रिपोर्ट।